लीजिए सर, अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। डुअल बीम सेंसर, ये है एवीटी सीरीज डिटेक्टर एवीटी 100। ये है बेसिक पैकेज, कंपनी से आता है। इसमें आते हैं दो पीस। ये पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है रिसीवर। साथ में क्या आता है, ये यूजर मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। ये हमारा विजिटिंग कार्ड हो गया और ये साथ में दो क्लैंप्स हो गए। अगर इसको पोल पे लगाना है, मींस दीवार के ऊपर पोल लगा के उस पे फिट करना है, तो ये यहां पे बना होता है। ये यहां आपका पोल आ जाएगा और यहां से ये ऐसे स्क्रू से लग जाएगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपने इसको पोल पे ही लगाना है। अगर वहां पे दीवार की अवेलेबिलिटी है तो आप सीधा दीवार पे भी लगा सकते हो। इधर से वो दो स्क्रू लगा के आप ये वाले दीवार पे लगा सकते हो। अब आ जाएं इस डिवाइस की यूटिलिटी क्या है। जहां पे भी डिस्टेंस एक लाइन ऑफ साइट में 20 फुट के ऊपर है और आप एक ही डिवाइस से सिक्योरिटी लेना चाहते हो, तो वहां पे अवेलेबिलिटी है सिर्फ दो ही आइटम्स की। एक आ जाती है इलेक्ट्रिक फेंस, दूसरी आ जाती है ये बीम सेंसर। अदरवाइज आपको बहुत ही ज्यादा गिनती में सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए कि यही काम आप पीआईआर सेंसर से करवाते हो, तो हर 20 फुट के ऊपर एक सेंसर लगाना जरूरी हो जाएगा। तो इसमें ये डिटेक्शन करता है, ये इसमें से ये आमने सामने ये अप टू 330 फुट तक चल सकता है। 330 फुट या 100 मीटर कह लो आउटसाइड में। अगर इनसाइड में यूज करना है तो इसकी रेंज डबल हो जाएगी, आप 100 की बजाय 200 मीटर अंदर मान लो। तो इसमें से कोई भी इंट्रूजन होगी तो ये इसमें से जो इनविजिबल बीम निकलती है उसमें से कट ऑफ हो जाएगी और ये डिटेक्ट करेगा रिसीवर साइड। और रिसीवर साइड से जो स्विच निकलता है, वो स्विच आपने जिस चीज से भी लगा रखी है, मान लीजिए आप कोई बेल है, आपने बेल के साथ इस स्विच को लगा दिया या किसी लाइट के साथ लगा दिया या किसी चीज से भी लगा दिया, स्कूटर के साथ, सायरन के साथ, तो वो आपका ट्रिगर हो जाएगा। ये जो 100 मीटर का डिस्टेंस बताया है, ये एक लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। ये नहीं है कि एक लाइन में 50 फुट है, दूसरे में जाके एल शेप बन गया उसमें 100 फुट है और आप बोलो ये एक ही डिवाइस चल जाएगा, वहां दो डिवाइस लगेंगे। सिंगल लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए और उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 100 मीटर होनी चाहिए या 330 फुट कर लीजिए। आप 30 फुट का मार्जिन रखिए, 300 फुट ही मान के चलिए। तो जितनी लाइन ऑफ साइट होगी, जितने बेंड होंगे, वो उतने में डिवाइस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ज्यादा लगेंगे। ये एक ही लाइन के लिए, एक ही दीवार के लिए आप मान के चलिए कि एक सेट लगेगा, चाहे वो दीवार 5 फुट की है, 10 फुट की है टोटल लेंथ, चाहे वो अप टू 330 फुट की है, एक डिवाइस से काम चल जाएगा आपका। अगर एक ही लाइन ऑफ साइट में लेंथ 100 मीटर से ऊपर है, 200 मीटर है, 400 है, 1000 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, उतने ही डिवाइस मल्टीपल हो जाएंगे, गिनती में बढ़ जाएंगे, हर 100 मीटर पे एक सेट लगता जाएगा। बेसिक डब्बे में ये चीज ही आती है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, यूजर मैनुअल और वो क्लैंप। इसको चलने के लिए कम से कम तीन और एक्सेसरीज की जरूरत पड़ती है। तीन एक्सेसरीज में क्या आ जाता है, पहली तो आ जाती है ये दो पावर अडेप्टर। ठीक है जी, ये आप कोई 10 वोल्ट एक एम्प से लेकर 24 वोल्ट एक एम्प का ले सकती हैं, दो पीस अडेप्टर के हो गए। या आप इसके लिए सीधा बैटरी हो आपके पास 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की, उससे भी लगा सकते हो, फिर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप प्रेफरेबली लगाओ यूपीएस के साथ या इन्वर्टर के पॉइंट पे, ताकि आपके फॉल्स ट्रिगर ना हो और हर वक्त इसको एनर्जी मिलती रहे और ये आपका पूरा का पूरा फूल प्रूफ काम करता रहे।
तो अगर बैटरी से सीधा लगा दोगे तो भी ये अनइंटरप्टेड काम करेगा, और इसको आप अगर यूपीएस या आजकल के जो इन्वर्टर होते हैं उसके ऊपर ये इन्वर्टर लगा दोगे तो भी ये फुल प्रूफ काम करेगा अनइंटरप्टेडली। सेकंड एक्सेसरी जो है वो है इंट्रूजन इंडिकेटर। उसमें क्या आ सकता है, मिनी सायरन आ सकता है, लाउड सायरन आ सकता है, हूटर आ सकता है, कोई फ्लैशर हो सकता है, ऑडियो वीडियो फ्लैशर हो सकता है, कोई फ्लैशर लाइट हो सकती है, कुछ भी चीज जो कि इंट्रूजन को इंडिकेट करे। इवन इसको आप और हाईटेक करना चाहते हो तो आप जीएसएम डायलर और टेलीफोन डायलर के साथ भी अटैच कर सकते हो। जब भी कोई इंट्रूजन होगा तो आपने जो भी नंबर फीड किए होंगे आपको उस मोबाइल पे इंडिकेशन मिल जाएगी। 3-4 हजार का खर्चा और बढ़ जाएगा जीएसएम डायलर के लिए। और तीसरी चीज आ जाती है ये टाइमर। टाइमर की 3 पिन है, एक इनपुट की है, एक आउटपुट की है और एक स्विच की है। और बात ये आती है कि ये टाइमर की जरूरत क्या है। टाइमर की जरूरत पड़ती है क्योंकि जितनी देर इंट्रूजन रहेगा उतनी देर ही स्विच इसका ऑन रहेगा। मान लीजिए कि इंट्रूजन रहा इसका 1-2 सेकंड के लिए, अब उतनी देर चला और आपको पता भी नहीं चला उसमें, तो फिर इसका तो मोटिव पूरा ना हुआ। इसलिए इसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए स्विच, एक बार स्विच ऑन हो गया तो आपके डिजायर टाइम तक चलता रहे, कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक आप जितना टाइम चाहो उतना सेट कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। ये इसमें ये स्क्रू लगा है, 1-2 सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक आप टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने 25-30 सेकंड तक सेट किया होता है, तो ये टाइमर आपका उतनी देर एक्टिवेटेड रखेगा हूटर को। ये तो हो गई एक्सेसरीज की जानकारी। अब रही बात कनेक्शंस की। जैसा कि मैंने बताया है जो डिफॉल्ट बॉक्स होता है उसमें सिर्फ एक पीस इसका आता है, एक इसका आता है, और इसमें साथ कोई पिन नहीं लगी होती। ये जो पिन लगाई है, ये जो वायर लगाई है डीसी वाली, ये हमने खुद लगाई है आपके कन्वीनियंस के लिए। इसी प्रकार इस पे 2 लगी हैं, एक डीसी वाली पिन लगी है, एक इसका जो आउटपुट स्विच निकलता है उसके लिए ये लगा रखी है, और इस पे भी हमने डीसी पिन लगा रखी है आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है जी। अब हमने 2 यूज किए हैं पावर अडेप्टर। एक पावर अडेप्टर है 12 वोल्ट 1 एम्प का, वो इसको लगा दिया, और 12 वोल्ट 2 एम्प्स का यूज किया है, ये बाइफरकेट कर गया। इसके साथ बाय डिफॉल्ट 2 वायर्स हैं, 2 जगह आउटपुट निकलती है। एक इसकी जो है इनपुट लगा देते हैं वो ये रिसीवर पे, और एक जाएगी ये हूटर के लिए, लेकिन हूटर के इन बिटवीन हमने लगा दिया टाइमर, ठीक है, ताकि इसका टाइम जो है बढ़ा के अपनी मन मर्जी का आप कर लो। तो टोटल कनेक्शन ये आपको जो नजर आ रहा है बस यही है। एक और जानकारी मैं आपको दे रहा हूं फिटिंग के बारे में। जब भी आपने फिटिंग करनी है ट्रांसमीटर और रिसीवर की, ये जरूरी नहीं है कि आपने प्रोटेक्शन जो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इस तरफ देनी है तो आपकी जो दीवार है फिटिंग के लिए इधर ही होनी चाहिए। आपकी दीवार कहीं भी है, किसी भी डायरेक्शन में है, आप लगा लो, ठीक है। आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, ये प्रोटेक्शन आप किसी भी साइड दे सकते हो। एक तरफ दीवार आ गई, बाकी की 3 तरफ जो है फ्लेक्सिबिलिटी है आपके लिए, ट्रांसमीटर के लिए भी रिसीवर के लिए भी। ऐसे ही आप चाहे ट्रांसमीटर को चाहे रिसीवर को आप किसी भी तरफ घुमा लो, लेकिन होने आमने सामने चाहिए और करीब करीब एक ही लेवल पे होने चाहिए, ऊंचे नीचे ना हो, एक ही हाइट पे हो। और जब आपने फिटिंग कर ली तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों जो है प्रॉपर अलाइनमेंट है, इसका मैं बताता हूं। जो तो ट्रांसमीटर है उसके ऊपर आपकी सिर्फ एक ही रेड कलर की लाइट है, एलईडी है, वही ग्लो करेगा, कॉन्टिन्यूसली ग्लो करेगा, उसको ग्लो करने करते रहना चाहिए। अब आ जाइए रिसीवर की साइड। रिसीवर की साइड जो है वो आपको 3 लाइट मिलेगी, एक ग्रीन होगी, एक सेंटर वाली रेड होगी, एक साइड वाली रेड होगी।
आप अगर अलाइनमेंट प्रॉपर है तो आपकी ग्रीन और ये सेंटर वाली रेड ये कॉन्टिन्यूसली लाइट्स जगनी चाहिए अन इंटरप्टेडली, ठीक है। जब भी आप कोई किसी चीज से कोई इंट्रूजन होगा तो ये लाल वाली लाइट जो है इंटरप्ट होगी और ये तीसरे वाली जो रेड लाइट है ये ग्लो कर जाएगी उतनी सेकंड के लिए जितने सेकंड के लिए इंट्रूजन हुआ है, ठीक है। मीनिंग ये है कि आपकी अगर डिवाइस प्रॉपर अलाइनमेंट में है तो आपकी ये ग्रीन और सेंटर वाली रेड लाइट ये दोनों लगातार चलनी चाहिए, सेंटर वाली लाइट ब्लिंक नहीं करनी चाहिए। अगर ब्लिंक कर रही है तो अभी आपको अलाइनमेंट प्रॉपर करने के लिए जरूरत है, ठीक है। इसमें भी आपकी ऑप्शन होती है ये तीनों तरफ घुमाने करने की, ठीक है, ट्रांसमीटर रिसीवर साइड। और ऊपर नीचे अगर दीवार के ऊपर बिल्कुल सामने नहीं है ये लेवल में नहीं है तो यहां से ये पेच से भी आप कर सकते हो, ये ऊपर और नीचे थोड़ा सा घुमाने के लिए है, ये ऐसे या ऐसे वर्टिकली थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पे ये होती है, ठीक है। शेल को फाइनलाइज बंद करने के पहले आपको इसको प्रॉपरली चेक करना है जैसे कि मैंने बताया है आपको। अब मैं करता हूं इंटरप्ट, अब इंटरप्शन का रिजल्ट देखिए क्या निकलता है। चल पड़ा है और लगातार चल रहा है, कुछ सेकंड चलेगा, अदरवाइज इसने उतनी देर ही चलना था जितनी देर मैंने हाथ दिया था। इसको मैंने बढ़ा के टाइमर के थ्रू कुछ सेकंड बढ़ा दिया है ताकि वो इंडिकेट करे कि कोई इंटरप्शन हुई है। ये लीजिए मैं दोबारा अब इंटरप्ट कर रहा हूं, जैसा कि मैंने बताया है आपको हम लोग इसको ड्यूली फिटिंग करके भेजते हैं तो इसमें कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की तो कोई जरूरत ही नहीं दी है, ना ही कोई सेटिंग है, ना ही आपने कोई वायर लगानी है, ना ही आपने कोई सॉकेट लगानी है, पहले लगा लगाया है। कोई जरूरत पड़ती है आप वायर को लगा के उसको एक्सटेंड कर लो, जैसे एक तार काटोगे उसको एक तार को बढ़ा लो, और किसी तार में कोई करंट नहीं है, डीसी पे चलने वाला है ये सिस्टम। तो इसको आप कोई भी सिंपल इलेक्ट्रीशियन मार्केट से बुलाएं, बुला के फिट करवा लें तो दीवार से आप दीवार के ऊपर ऊपर आप एक डेढ़ फुट के दायरे में हाइट पे लगा सकते हो इसको बेटर रिजल्ट के लिए। बाकी लगाने को जितने मर्जी पे लगा लो, ये उतने एरिया में काम करेगा ढाई तीन फुट के दायरे में। तो अगर आप दीवार के अंदर लगाना चाहो तो आप जमीन से तीन चार फुट ऊंचा लगा लो, तीन फुट ऊंचा लगा लो, या तीन से लेकर छह फुट तक किसी भी ऊंचाई पर लगा सकते हो, सात फुट तक लगा लो। मतलब तो है आपको जहां पे लगे किसी इंसान के इंट्रूजन से लाइन ऑफ साइट कट सकती है, मैक्सिमम चांसेस हैं। ये आपको सिचुएशन के मुताबिक आपको जज करना पड़ेगा, तो आप वहां पे लगवाओ जहां से कोई इंसान कूदे अंदर इंट्रूज करे तो लाइन ऑफ साइट ऑब्स्ट्रक्ट हो और ये ट्रिगर कर जाए। अब बात आती है लास्ट पे, क्या ये बीम सेंसर वाटरप्रूफ है? यस, रेन वाटर के लिए वाटरप्रूफ है, लेकिन फिर भी ये ऊपर से कोई इसको प्रोटेक्शन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। कोई पॉलीकार्बोनेट की आप शीट वगैरह लगा सकते हो तो बढ़िया रहेगा, नहीं भी लगाओगे तो वेल एंड गुड, चलेगा बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पावर अडेप्टर, वायरिंग किट और हूटर, टाइमर, ये नॉन वाटरप्रूफ होते हैं, इन सबको आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी।